ये मौका रहा वाला वो कि जब भगत सिंह जेल के अंदर होता है, उसके दादा उससे मिलने के लिए जाते हैं और दादा को देख करके भगत सिंह बड़े खुश हुए। खुश होकर के प्रणाम किया, नमस्कार किया और दादा से कहने लगे कि दादाजी जेल के अंदर आए हो, क्या कोई खुशी का पैगाम लेकर के आए हो या किसी को किसी तरीके की कोई दिक्कत तो नहीं है? घर में तो सब ठीक है ना, घर में तो सब खैरियत है। भगत सिंह का दादा कहने लगा, अरे भगत सिंह बेटा, ना तो मैं कोई खुशी का पैगाम लेकर के आया हूं, मैं तो एक दुख का पैगाम लेकर के तुम्हारे पास आया हूं और लास्ट बार तेरे पास एक फरियाद लेकर के आया हूं। भगत सिंह कहने लगे, दादाजी कैसी बात कर रहे हो, आखिर मैं तेरा पोता हूं और तुम ये हारी हारी सी बात कर रहे हो, ये माड़ी माड़ी सी बात कर रहे हो, आखिर कारण क्या है? मैं तुम्हें पूछना चाहता हूं। कहने लगा कि बेटा तू मेरे साथ वापस घर चल, इन अंग्रेजों से माफी मांग ले और मैं भी इनसे माफी मांग लूंगा, तुझे ये फांसी नहीं तोड़ेंगे, तुझे ये फांसी नहीं चढ़ाएंगे, तुझे मैं वापस ले जाने के लिए आया हूं। भगत सिंह जोर जोर से हंसने लगा, कहने लगा कैसी बात करते हो दादाजी, तुम ही तो मुझे शेर बताया करते थे और तुम अपने आप को भी शेर कहते थे और आज तुम्हारे मुख से मैं ये वाणी सुन रहा हूं कि मैं उनसे माफी मांग लूंगा। नहीं दादाजी, मैं तो एक क्रांतिकारी पैदा किया हूं तुमने और मुझे तो क्रांतिकारी किताबें पुस्तक पढ़ाई गई है, तो मैं घर वापस कैसे जा सकता हूं? नहीं जा सकता, तब तक अपने भारत माता को आजाद नहीं देख लूंगा, तब तक अपनी भारत माता को आजाद नहीं करा दूंगा, तब तक मैं वापस घर नहीं जा सकता। भगत सिंह यूं कहने लगे, दादाजी आप घर वापस जा सकते हैं तो आइए। भगत सिंह को दादा क्या कहते हैं, दादा को भगत सिंह कैसे समझाता है इस रागनी के माध्यम से एक बार जोरदार ताली बजा करके आशीर्वाद और हो जाए। हे रे मत रो बे, बहुत अच्छे, हे रे मत रो बे, ओ दादा पोते का सबर तू करके काम लौट जा, फुर्सत के धाम लौट जा, हिम्मत ना करूंगा चूर प्रले तक भी, प्रले तक भी मारे कुल का चमकता रहेगा नूर, प्रले तक भी मारे कुल का चमकता रहेगा नूर। और जी खोवे, जी खोवे मेरा दादा, वक्त पे मेरी ले पर नाम लौट जा, सत के धाम लौट जा, वो मत रो में
के लेगी नहीं गुलामी की चोट बाबा भारत पे झलेगी नहीं भगत सिंह के बलिदान बिना आजादी मिलेगी नहीं भगत सिंह के बलिदान बिना आजादी मिलेगी नहीं और जंगी जो तक दीरे बोली ब्याह भात के मौके पे देखे ब्याह भात के मौके पे भला कौन उठा बचीरे बोली ब्याह भात के मौके पे बता कौन उठा बचीरे बोली और कहाँ तो होवे मैं घर का यो सारा काम लौट जा अच्छी लगे तो एक बार जोरदार ताली चाहूंगा भगत सिंह के लिए और उसकी बहन के लिए न्यू कह दिया क्या क्या कहे जयकरण न्यू कह दी तेरा
हाथ ही हिंदू से तान होगा तेज चरण क्यों तेजी तेरा हाथ ही हिंदू से तान होगा ये रतंगी हो बे रतंगी हो बे मेरा बाबा रोने ते मेरी मेहनत का अंजाम लौट जा